यूट्यूब पे एक नया प्लगइन आया जिसका नाम है जेम स्टाइल, जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर का एक प्लगइन है जिसमें होता कुछ ऐसा है कि माइनक्राफ्ट में सब जितने भी मतलब एसएमपी के बंदे होते हैं उन सबको एक अलग अलग जेम मिल जाता है और उन जेम्स की एक अलग अलग पावर होती है। और वही आज मैं आपको डाउनलोड करना सिखाने वाला हूं कि आप फ्री में उसको किसी भी होस्टिंग पे आइटन होस्ट पे फेलिक्स नोट्स पे किसी भी होस्टिंग पे आप उसे चला सकते हो उस वाले प्लगइन को। तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सब फटाफट से आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर देना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वहीं पर आपको प्लगइन का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो प्लगइन नहीं है, वो एक डाटा पैक और एक रिसोर्स पैक है, दो चीज है। ठीक है, तो आप PDL वाले फोल्डर पे चले जाओ, PDR वाले। ठीक है, इसमें वो इस PDR का मतलब है प्लगइन डाटा पैक और रिसोर्स पैक। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, देखो ऊपर वाला जो है अपना रिसोर्स पैक है और नीचे वाला डाटा पैक है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कोई भी वेबसाइट में मतलब कोई भी ब्राउजर में आना है और आप सर्च करना है एटनोस। ठीक है, एटनोस सर्च करने के बाद पहले आपको लिंक मिल जाएगी एटनोस की होस्टिंग की और उस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे फिर उसके बाद आपको करना है कुछ ऐसा है कि आपको जावा का सर्वर बनाना है, कोई भी कैसे भी सर्वर बना दो, जावा एडिशन का बनाना। ठीक है, मैं आपको जावा प्लस बेडरॉक दोनों करना सिखाऊंगा आगे जाके, लेकिन आप जावा का ही सर्वर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सर्वर बन के तो एकदम रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे आपको इस सर्वर को पेपर में कर देना है। ठीक है, मतलब ये वनीला माइनक्राफ्ट सर्वर में मत करना, पेपर के अंदर कर देना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पेपर पे क्लिक कर दिया एंड आप लोग इनमें से कोई सा भी वर्जन ले सकते हो। ये ऑल वर्जन के लिए, आप लो से लो वर्जन भी ले सकते हो, हाई से हाई वर्जन भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्जन से खेलते हो। जैसे कि मैं 1.20.1 ले रहा हूँ तो और इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है MC, सिर्फ MC सर्च करना। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सर्च कर देना है MC और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्लगइन है जिसका नाम है जीवर MC। अभी लोड हो रहा है एंड लोड हो चुका है। ठीक है, ये देखो सेकंड लाइन पे आते हैं जीवर MC, आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्लगइन जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये प्लगइन करता कुछ ऐसा है कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के सर्वर में भी माइनक्राफ्ट बेडरॉक बनते मतलब जो बेडरॉक एडिशन के बंदे होते हैं वो भी ज्वाइन कर पाएंगे आपके इस सर्वर पे। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे वर्ल्ड वाले मतलब ये हाँ वर्ल्ड वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम इसमें डाटा पैक अपलोड करेंगे इसलिए आपको इस पे फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे डाटा पैक का फोल्डर आ जाएगा, आप जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा भी आ चुका है। एंड आपको डाटा पैक के फोल्डर पे भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखो अभी कोई डाटा पैक नहीं, आपको अपलोड के फोल्डर पे क्लिक करके सिंपली डाटा पैक को अपलोड कर देना है। जो डाटा पैक वाली फाइल है उसमें लिखा है डाटा पैक, ठीक है, तो डाटा पैक वाली फाइल जिसमें लिखा हो डाटा पैक उसे अपलोड कर देना। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप मेरा डाटा पैक अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे डाटा पैक सक्सेसफुली अपलोड भी होने वाला है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हो चुका है डाटा पैक, यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखो पूरा डाटा पैक है। ठीक है, अपलोड हो चुका है। अभी आपको ऑप्शंस के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि अब हमें इसमें रिसोर्स पैक अपलोड करना है जेम स्टील का कस्टम टेक्सचर वाला, इसमें जेम का टेक्सचर अलग आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है थोड़ा सा एंड यहाँ पे आपको क्रैक ऑन कर देना। यहाँ से क्रैक ऑन करके हमारा ये फायदा होता है कि जो मतलब बेडरॉक एडिशन वाले बंदे होते हैं ना वो मतलब ज्वाइन कर पाएंगे क्रैक ऑन करके, और जो क्रैक ऑन वाले होते हैं वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। और क्रैक ऑन कर देना, जरूरी है क्रैक ऑन करना अगर आपको बेडरॉक प्लस टी बनाना है और अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो। ठीक है, क्रैक ऑन करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको रिसोर्स पैक, यहाँ पे रिसोर्स पैक का एक ऑप्शन मिलेगा, साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना है। आपको इसमें वही जो दूसरी फाइल है रिसोर्स पैक वाली इसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जो है अपने फाइल वाइल सब कुछ काम खत्म हो चुका है, सिंपल है सर्वर स्टार्ट करना है और खेलना है सर्वर में अपने दोस्तों के साथ, अपनी SMP बनाओ, कुछ भी करो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एंड आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि ये मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक किया था, ये रिसोर्स पैक वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस।